15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां देते बोले थे, हो गया शायद 2 करोड़ मिल गए। आपको सबको मिल गई होंगी नौकरी, मेरे को मालूम सबको मिल गई, आप सब रोजगार से लगे हुए माशाल्लाह, मोदी जी ने आपको दे दिया। हो सकता वैसे ही अब्बास होंगे, नहीं मालूम। हम जिस अब्बास को जानते हो, अब्बास आलमबरदार है, और दूसरे किसी को नहीं जानते हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम प्रधानमंत्री से यह भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो, और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी को पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नूपुर शर्मा फिर से रूमदार होंगी, और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। हो सकता है कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के होदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई, यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है, बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और फिर हम लोग उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही है।